वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो भाई लोग, पहले तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताया था कि अपन करने वाले हैं BMW के साथ राइड, तो उसी के लिए निकल पड़े हैं अपन। मीटिंग पॉइंट है अपना पत्रिका गेट, चूँकि JLN का एंड रहता है सुबह सुबह WTP। और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है ना, जो कल के वीडियो में अपने को डर था ना कि बारिश ना हो सुबह, तो भाई अभी तक तो ऐसा कोई ना बादलों वाला सीन है नहीं। और हाईवे का पता नहीं है, देखो क्या होने वाला है, क्या वहाँ पर मौसम रहता है। देखो अभी ना जयपुर में एक एरिया में बारिश होती है, एक एरिया में बिल्कुल सूखा रहता है, ऐसा सीन चल रहा है। तो देखते हैं, देखो क्या होता है, जो भी होगा। आप अब घर से तो निकल चुके हैं। देखो पहले दिक्कत क्या रहती है घर से निकलने में, घर से निकल जाओ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक बार कौन कौन पहुँचा है। काफ़ी अच्छी राइड होने वाली है। वीडियो स्टार्ट कर दिया है ना, तो एंड तक देखना। और हो सकता है क्या, मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको इस वाली वीडियो के, इस राइड के दो पार्ट देखने को मिले, है ना। तो वो जैसा भी होगा वह लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ये आ चुके हैं अपन पत्रिका गेट जवाहर सर्किल। देखते हैं कौन कौन अपना भाई आया है। काफ़ी सारी भीड़ होने वाली है यहाँ ना आज। BMW वाले कोई भी नहीं दिख रहा भाई अभी तो। BMW कोई भी नहीं है ना। आ गई आवाज अपनी। BMW वाले को साथ हो गए, आप भी आ जाओ तो सीधी करो भाई। आ चुका है अपना पूरा लाइनअप। और अभी तक ना मोटी मोटी 10 या 15 बाइक्स आ चुकी हैं। 1000 RR अभी तक नहीं आई है, पर R90 आज अपने साथ होने वाली है फर्स्ट टाइम राइड पे। और 1250 तो कह रहे ही, और यहाँ तक है अपना ना जो 850 खड़ी है। तो इतनी लोग आ चुके हैं अभी तक। तो भाई आज की राइड पे है ना तो रोशन है और ना ही हमारे ना मोटा भाई है। तो मैं तो दोनों के लिए ना गिफ्ट लेके आया था। देखो कल के वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, तो देख लो भाई। अब तुम्हें नहीं मिलना गिफ्ट, अब बताना। बाय बाय टाटा भाई। फुल ना बाइक है। कौन सी चाहिए, सब है यहाँ। कौन सी आपको चाहिए, सब कुछ मिल जाएगी। अब ये देखना, ये खुलते ही कैसा उधम मचाते हैं। फ्रेम चेक करो, 1250 1250 850। तो निकल चुके हैं, दो रूट हैं अभी अपने साथ, जो लीड कर रहे हैं फैसल भाई कर रहे हैं। और दो रूट हैं, दोनों दिल्ली हाईवे पे ही हैं। पहले हमारा प्लान था अजमेर हाईवे पे जाने का, पर अब हम जा रहे हैं दिल्ली रोड पे। देखते हैं, अभी तक तो राजश्री का है पर वहाँ नहीं रुकेंगे, तो मुझे जगह ही पसंद नहीं है। अगर मजा चाहिए ना इस आदमी को, देखते रहना पूरे वीडियो में। यार भाई हेलीकॉप्टर है गाड़ी, मतलब जब पास से जाती है ना तो पूरा हिला देती है गाड़ी को भी और आपको भी। रियल है, जिसने फील किया होगा ना उसे पता होगा कि जब 1250 फ्लाई बाय देती है ना तब क्या होता है। और भाई ये भैया पे नज़र रखते रहो बस, पूरे वीडियो में आप लोगों को फन यही देने वाला आदमी। यार ये मतलब इस टाइप से चला रहे हैं कि अपना ड्रीम जो है अपनी 100 CC वो भी नहीं चलाते अपन इसे। भैया अभी से ही मज़ा आ गया आपके पीछे चलने में। मैं कैमरे में भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मज़ा चाहिए ना तो इस बाइक को देखते रहना, ये रेड जैकेट देख लो। तो भाई अब लग रहा है फ़ोन उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे दिख रही है भाई दबा के बारिश। वैसे अभी भी यहाँ पर भी तेज़ी है, पर आगे थोड़ा सा ना ज़्यादा ही दिख रही है। तो फ़ोन पहले उठा लेते हैं, उसके बाद अपन मिलते हैं वापस।
सुबह अभी आ चुके हैं हम लोग आमेर और बारिश अब हो चुकी है कम, तो इसीलिए ना फोन हो चुका है रिटर्न। बारिश थोड़ी सी कम हो गई है पहले के, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है पर देखो ऊपर अगर आप देखोगे ना तो ऊपर फुल बारिश है अभी भी ना, या फिर हो सकता है धुंध है कोहरा है। सो भाई बाइक लग चुकी है और सबका फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। ये देखो पहले तो ये है भाई अपना पूरा फुल लाइनअप आज का। और अभी अपन आ चुके हैं आमेर, आमेर फोर्ट जिसको अंबर फोर्ट भी कहते हैं कई लोग। और वहाँ चेक करो मतलब ना कितना बढ़िया, एकदम पूरा कोहरे वाला, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा, ऊपर भी देखो। तो ये रहा, तो चलो अब सब खींच रहे हैं तो अपन भी ले लेते हैं एक आधी फोटो। निकल चुके हैं आमेर से अपन राजश्री के लिए, राजश्री रिसोर्ट चंद्रवाजी के आसपास, चंद्रवाजी से आगे चंद्रवाजी क्रॉस करके। और ये रोड ना अभी थोड़ा सा ख़राब ही मिलना है, तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं आमेर, हाथी जा रहे हैं अपने काम पे। तो यहाँ पर ना एक हाथी गांव भी है, तो उसका भी देखो कभी फ्री हुआ ना मैं तो एक पूरा डिटेल में ना आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आएंगे। ये एक और आ चुका है भाई, वो कितना ही बड़ा है ये देखो भाई साहब, मौत के फरिश्ते हैं खुद की। ये दो और आ गए दोस्त। अब यहां से अपन लग जाएंगे दिल्ली हाईवे पर, और दिल्ली हाईवे की हालत भी बहुत माड़ी हुई है अभी ना, बिल्कुल बेकार कंडीशन में है दिल्ली वाला हाईवे भी, दिल्ली जयपुर। ये लो जी आमेर में ना हाथी आती मिलेंगे, रोड की कंडीशन देखो, कट्टे डाल डाल के गड्ढे को थोड़ा सा लेवल में कर रखा है रोड के। ये देखो कोई स्पीड में आए ना इसमें, उसका काम तय है तय। ये देखो पूरा ना कट्टों से जो है ना गड्ढे भर रखे हैं मिट्टी वाले कट्टों से, ये रहे फुल डेंजर रोड है। और ये क्या एडजॉइन करता है दिल्ली वाले हाईवे को भी। अब हाईवे पे जो कोई आएगा तो वो आएगा थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि उसका मौसम बना हुआ रहेगा हाईवे के अकॉर्डिंग। और ये रोड लगते ही अगर अलॉयज हो तो अलॉयज बैंड होने के पूरे पूरे चांस बन सकते हैं तेज स्पीड में। तो भाई ये भाई ना आरआर को तगड़ी ही पेल रहा है, मतलब भाई खींच के चला रहा है, एक होता है ना पंजा दाब के, ये हाथ मोड़ के चला रहा है फुल एकदम। गायों की कहानी यहाँ पर ना भाई अभी ज्यादा ही हुई है। तो भाई ये तो देखो बाइक का हाल, सभी की सेम कंडीशन है। R90 दिखाता हूँ तो और ज्यादा गंदी है ये, है ना। अब बैग देखो अपना, नया बैग लाए थे भाई कल, ऐसे थोड़ी। ये लो अब ये जब सूखेगा ना तब दिखाएगा असली शक्ल तो ये खुद की। और ये रहा अपना वाइजर, मतलब हो गया काम बढ़िया एकदम, अंदर तक अंदर तक कीचड़ गया है, बात ये है। तो अभी हम आए हैं, ये ना राजश्री रिसोर्ट है दिल्ली रोड के स्टार्टिंग में, मतलब चंद्रवाजी को क्रॉस करते ही यहाँ पर। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ना काफ़ी भीड़ होने वाली है मुझे पता है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की राइड भी यहीं है, मेरे पास था यहाँ का भी। तो रॉयल इनफील्ड का ये पूरा ना हंटर का पूरा टाइप से बैनर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। भाई कई सारे लोगों का ये सवाल रहता है अफ्रीका ट्विन बढ़िया या फिर 1250 बढ़िया, तो तुम्हारी तो बताओ दोनों में से क्या पसंद है? अफ्रीका ट्विन देखा, चौड़ी कौन है ज़्यादा? अफ्रीका ट्विन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, और इसमें तो यार एक्सेसरीज ही फुल लोड कर रखी है भैया ने। भैया हवाई जहाज नहीं हेलीकॉप्टर है, अभी थोड़ा सा ना काला नज़र आ रहा होगा क्योंकि शेड है। तो भाई देखो कितनी ही बड़ी हैं दोनों ही बाइक्स ना, मतलब पीछे से देखने में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, पर आगे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। और जो ये वाला लुक है ना, यहाँ से पता लगेगा कि कौन सी ज़्यादा मतलब ना वाइड है ब्रॉड है। यहाँ पर फ्रंट टायर आपका है 21 इंच का और यहाँ है 19 का। तो ये है भाई मेरी पर्सनल फेवरेट तो है भाई अफ्रीका ट्विन। भाई अभी हम हैं राजश्री रिसोर्ट, है ना,
और अभी 10 मिनट पहले तक फुल बारिश थी, फुल बारिश मतलब एक अच्छी तरह से भर के, और अब मतलब गर्मियों वाला सीन याद दिला दिया इस धूप में, मतलब फुल गर्मी है। और अभी का सीन ऐसा है, राजश्री पे तो सिर्फ अपने चाय का स्टॉप है यानी कि टी ब्रेक है, और फिर हम लोग निकल रहे हैं ओल्ड राव। ये देखो ये मैप चेक करा जा रहा है कि ओल्ड राव यहाँ से कितनी दूर है ना। तो अभी ना हमारे ग्रुप में मतलब दो अलग अलग माइंडसेट बन रहा है, जो बड़ा बाइक वाला ग्रुप है ना 1250 वाला, तो ये सब जा रहे हैं सिलेसर लेक अलवर है ना, तो हम वहाँ नहीं जा रहे, हम वहाँ नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, अभी उतना मूड नहीं है, और रोड ना मज़ेदारी नहीं है बिल्कुल भी। और फिर प्लस जो सिलेसर वाला जो रोड है ना वहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड भी मिलेगा अभी के टाइम पर, ये तो भाई सब GS वाले हैं, ये निकल जाने हैं, फिक्र नहीं, ये फिक्र नहीं है, और हम R वाले हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं ओल्ड राव पाउटा, जो कि यहाँ से लगभग 30 या 32 किलोमीटर के अराउंड है। तो चलते हैं थोड़ा सा, और भी थोड़े बहुत भाई हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी पूछ लेते हैं सबसे ये क्या होता है। तो ये वाला पार्ट अपन यहीं पर एंड करते हैं, और अगला वीडियो यानी कि यहाँ से ओल्ड राव तक का तो वो आप लोगों को मिलेगा कल, तो करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।